नमस्कार, मैं हूँ अनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। आज से 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बरेली के कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस महामारी है उसका जो असर है देखने को मिल रहा है। ये इस तरफ माता की जो प्रतिमा है, स्वरूप है, वहाँ है, और जो दर्शन हो रहे हैं वो मेन गेट से इस तरफ से जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। किसी को भी मंदिर परिसर में आने की इजाज़त नहीं है। जो शासन की गाइडलाइन है और जो कोरोना वायरस का ख़तरा है उसको देखते हुए ये जो मंदिर के जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से ये इंतज़ाम किए गए हैं। किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, कोरोना वायरस के फैलने का ख़तरा ना हो। हम आपको आगे से दिखाएंगे किस तरह से यहाँ जो प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया है, जो भी पूजा पाठ भक्त कर रहे हैं, श्रद्धालु कर रहे हैं, वो मेन गेट पर ही कर रहे हैं। वहीं से प्रसाद जो है वो चढ़ाया जा रहा है। शासन की सख्त गाइडलाइन थी कि जो त्यौहार हैं उसमें किसी भी तरह से कोरोना वायरस की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जो मंदिरों के देवी मंदिरों के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरे इंतज़ाम किए हैं। ये पूरा मंदिर परिसर आपको खाली दिखाई देगा और यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कम से कम कुछ नहीं तो ये तकरीबन 20 या कहें करीब 20 मीटर की ये दूरी है। यहाँ इतनी दूर से जो माता के दर्शन हैं वो हो रहे हैं। ये सिलसिला लगातार 9 दिन तक चलता रहेगा। आज नवरात्रों का पहला दिन है और लोग जो दर्शन हैं वो कर रहे हैं। सुबह से ही बरेली के देवी मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है और एक के बाद एक पाँच पाँच करके, चार चार करके कम संख्या में जो श्रद्धालु हैं माँ के दर्शन को लगातार आ रहे हैं। अब माता के दर्शन तो जैसे ही मिल जाए, मतलब पिछली बार की तरह नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे मिलते थे हर साल के अंदर जाके हम लोग नारियल वगैरह चढ़ाते थे, वैसे तो नहीं मिल पा रहे हैं, बट जो भी है अच्छा है। सूर्य ने जी माता रानी का आशीर्वाद, जितनी जो बीमारी है वो बहुत जल्दी सबकी से हम लोगों को छुटकारा मिले, और जैसे माता रानी के पहले दर्शन करते हैं ऐसे ही सबको दर्शन मिले हैं। जैसे लोगों को श्रद्धा जो है परेशानी हो रही है आगे ना हो। इस समय दरबार बंद होने से थोड़ा सा मन को ये टीस है कि माँ के दर्शन साक्षात सामने होकर नहीं कर पा रहे हैं। ये बीमारी आई है, इसको जल्दी से जल्दी दूर कर दे माँ और सभी पे अपनी छत्र छाया रखे। मेरा नाम है पंडित ब्रजेश कुमार गौड़, काली मंदिर का पुजारी हूँ। और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग जो हैं वो दर्शन जो है मेन मुख्य गेट के बाहर से करवा रहे हैं। भोग मैया का जो भी लग रहा है वो बाहर से ही लग रहा है। चुन्नी प्रसाद जो भी कुछ है वो सब स्वयं ही लोग बाग करवा रहे हैं। प्रशासन की गाइडलाइन हम लोगों ने बोर्ड लगा रखा है प्रशासन की वजह से। हम लोग कल मिले भी थे, हम लोग जाकर वहाँ पर प्रशासन से, उन्होंने ये कहा है कि आप अंदर से एंट्री ना दें, बाहर से बाहर दर्शन करवाएँ। तो हम लोग बाहर से बाहर दर्शन करवा रहे हैं। एंट्री का तो हमारा अंदर का मतलब ही नहीं है।